ये भाई को कुछ हुआ तो नहीं था उधर? सारे हाथी ने तोड़ रखा है ये सब। अब तो मैं खाने के लिए भी नहीं रुक सकता। और सीट कंफर्ट की बात करूं, ठीक ठाक ही लगा। इस बंदे को देखो भाई, कैसे बाइक चला रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दिस जस्ट द नेक्स्ट डे, उस दिन मैं आया था, फिर फ्रेशन अप हुआ। उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा ना कि निकलूं थोड़ा, भाई जो बारिश चालू हुई ना, मैं दिखा दो आपको बाहर का सीन कैसा है। देखो ये हालत है, आपको याद है ना जो मैंने फील्ड दिखाया था? देखो अभी भी बारिश चल रही है, पूरा पानी जम रखा है भाई। पूरा रात इतनी तगड़ी बारिश हुई ना, देख रहे हो यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ था, वो दिख भी नहीं रहा है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज मुझे घर के लिए भी निकलना है और जाना भी है पूजा के लिए मंदिर अभी। और देखो आज का मेरा लुक कुछ ऐसा है, कुछ धोती पहनने की ट्राई किया है, मुझे आता तो नहीं है बट किया है कुछ कोशिश। चलो अब लेट नहीं करते, निकलते फटाफट क्योंकि मंदिर जाना है, 8 बजे से मेरा पूजा का टाइम है। तो अभी मैं निकलूंगा, पता नहीं कैसे जाऊंगा, बारिश हो रहा है तो आई होप कि बाइक लेके तो जा नहीं सकता धोती पहन के। अब तो नीचे जाऊंगा, ऑटो करके मंदिर जाऊंगा, फिर पूजा करके वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि कितने बजे निकल सकते हैं क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। हाँ मेरे पास रेन गियर्स है बट पता नहीं आई हाउ आई विल यूज़ GoPro क्योंकि उसका कुछ जुगाड़ है नहीं मेरे पास अभी। मैं ये चीज़ भूल गया था कि भाई GoPro को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो मेरे पास कुछ प्लास्टिक वगैरह है नहीं। तो देखते क्या होता है, आते पूजा करके फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई मंदिर तो हम आ चुके हैं और दिखाता हूँ सामने आपको क्या ब्यूटीफुल लग रहा है मंदिर। ये देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है, पीछे पहाड़ है और बादल से ढके हुए हैं, क्या मस्त लग रहा है मंदिर यार। तो गाइस बढ़िया सी पूजा करके आ गए हैं वापस और बढ़िया से ब्रेकफास्ट भी हो गया, सब डन। अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, हाँ 11:30 हो, 11:30 बज चुका है। तो अभी एक ही काम करना है क्योंकि बारिश अभी थोड़ा सा कम है, मैं सोचा था कि थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, थोड़ा बहुत शाम तक निकलेंगे। बट अभी ऐसा कुछ प्लान कर नहीं सकते क्योंकि हालात बहुत ख़राब था, पूरी रात बारिश हुआ है। बट यार क्या व्यू है यार, ये व्यू बहुत मिस करने वाला हूँ। चलो जो भी है, सामान सारा पैक हो चुका है, हेलमेट रेडी है और अपना जो टॉप बॉक्स है वो भी रेडी है, अभी चलते हैं नीचे। चलो मैप हमने लगा लिया है, यहाँ से सीधा रास्ता है घर का, क्योंकि मैं सोचा तो था यहाँ पे एक फोर्ट जैसा है सकलेशपुर में, तो मैं सोचा था उस फोर्ट में एक बार जाऊँगा। बट वो जो एरिया है ना, बारिश पे बहुत गंदी हो जाती है हालत, मतलब वो एक मतलब फोर्ट मतलब एबंडेंट फोर्ट काइंड ऑफ प्लेस है। तो बारिश के टाइम पे अगर आप जाते हो ना तो एकदम कीचड़, और वो जगह स्नैक्स वगैरह के लिए भी सेफ़ नहीं है, ऐसे लोगों ने बोला यहाँ पे मैंने पूछा। तो मैं सोचा कि रहने देते हैं। और ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रहा है, ये नदी देख रहे हो और दूर में पहाड़, यार बहुत मिस करने वाला हूँ, क्या मस्त लग रहा है। कल पूरी रात बारिश हुआ है ना, ये नदी कल जब मैं आया था तो भरा नहीं था और अभी पूरा भर चुका है। अभी ये रोड का फुल मज़ा लिया जाएगा भाई। तो दोबारा मैं एक बार वापस आऊँगा, बट बारिश के सीज़न में आना थोड़ा सेफ़ नहीं है ये वाला एरिया, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई चलते हैं, अगर जाके कुछ देख ही नहीं पाऊँ तो क्या मतलब है। और जल्दी जल्दी वापस भी जाना होगा मुझे क्योंकि बारिश कभी भी हो सकता है, सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं है मतलब और रेन लाइनर भी मैंने नीचे मतलब पैंट पहन लिया हूँ, अगर बारिश आया तो फटाक से जैकेट डाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा जो टॉप बॉक्स है ना भाई, एकदम टपर टप भर गया है, मतलब एक बूंद जगह नहीं है। पूजा करने के बाद प्रसाद वगैरह दिया था उन्होंने तो मैं वो भी डालना पड़ा अंदर, और जब मैं आया था तभी बिल्कुल जगह नहीं था, और अब तो एकदम मतलब ठसा ठस भर गया भाई। बट मज़ा आया भाई, अब एक बात के बाद दुख रहेगा कि कल मैं निकल नहीं पाया, पूरा रात बारिश हुआ, उस दोपहर से लेकर ना फुल बारिश हुआ है भाई, क्या दबा के बारिश हुआ है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ये कुछ पहाड़ दिख नहीं रहा था, सारा ढक चुका था बादल से भाई, पूरा फुल। इस टाइम हो रहा है 12:12 हो रहा है और टाइम दिखा रहा है 6:03, टोटल 286 किलोमीटर्स।
मतलब 6:15 दिखा रहा है टाइम, मतलब शाम को 6 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। इसीलिए मैं और लेट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता यार बेंगलोर में ना ट्रैफिक में बहुत गंदा सीन हो जाता है बारिश के अंदर, तो वो मुझे फेस करना नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो वो 6 की जगह 9 हो जाएगा। वैसे भी अभी भी हो जाएगा, देखना अभी 6 दिखा रहा है ना, ये 6 रहेगा नहीं जब तक मैं सिटी एंटर करूँगा, धीरे धीरे वो 7-8 बज जाएगा। और अगर उस बीच में बारिश हो गया तो फिर और स्लो हो जाएंगे। बट ये फुल एरिया बहुत प्यारा है भाई, फुल देख रहे हो जंगल के बीच में से रोड है, मज़ेदार एकदम। बट अगर आप रात को आ रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। मज़ा आया, पहला सोलो ट्रिप था मेरा और आई एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली। एक्चुअल में बहुत मज़ा आया भाई। अब लोग बोलते थे ना, मतलब बोलते हैं लोग कि सोलो ट्रिप का अलग मज़ा है, ये चीज़ मैं समझ नहीं पाता था। मुझे लगता था क्या अलग मज़ा है भाई, 2-4 लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। बट आज मुझे समझ आया कि क्यों बोलते सोलो ट्रिप में अलग मज़ा है। मतलब इसमें ऐसा होता है ना, जब तुम व्लॉग करते हो, ठीक है, सोलो ट्रिप में क्या होता है, तुम भाई अपना मालिक हो खुद, जो करना करो, जहाँ जितना रुकना है रुको, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब ये चीज़ कभी कभी उसमें प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सबको रुकाना पड़ता है, तो वो एक गलत चीज़ है ना कि क्यों करना है, मतलब सबको क्यों आपको आपके लिए वेट कराना, ये सारी चीज़ें बस। यार मेरे को एक फ़ोटो लेना था यार, मैं भूल गया थंबनेल के लिए। देख रहे हो ऐसे रोड्स है भाई, क्या बढ़िया रोड्स है, ऑसम। आप सोचो ऐसा रोड मिले आपको तो मतलब मज़ा नहीं आ जाएगा बाइक चलाने का। और ऊपर से अभी तो वेदर भी ठंडी हो चुकी है, कोई धूप गर्मी किसी नहीं है ना, हल्का सा हवा चल रहा है, मज़ेदार एकदम। और इस ट्रिप के बाद मुझे ये बोलना पड़ेगा भाई, इस बाइक के ऊपर अलग लेवल का एक प्यार आ गया मेरे को समाउ। एंड यहाँ से हमें ले लेना होगा राइट। और कल मुझे भाई पेट्रोल के लिए जो डर लगा था, यही वो पेट्रोल पंप है जहाँ से भराया था पेट्रोल मैंने, अभी तो फुल है तो अभी लेने की कोई सवाल नहीं उठता, नहीं तो मैं यहाँ से ले लेता। प्राइस भी कम है यहाँ पे, 99 रुपीज़ है। और यहाँ पे देख रहा बोर्ड है बेंगलोर 270 किलोमीटर्स। यहाँ से जो रोड चालू होता है ना, एक नंबर रोड है भाई, एक नंबर रोड है, फुल जंगल के अंदर है ये, पूरा जंगल है अभी, फुल जंगल स्टार्ट हो गया यहाँ से। देख रहे हो ना इतने सारे पेड़ तोड़ तोड़ के रखे हैं, ये सारे हाथी तोड़ देते हैं। ये देखो एक पेड़ सारे हाथी ने तोड़ रखा है ये सब। ये देखो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, और ये देखो पेड़ तो टूटा हुआ है, ये सारे रात को हाथी तोड़ते हैं, बहुत खतरनाक है भाई। चलो बॉस अपना हाईवे स्टार्ट। उतर गए हम पहाड़ से और क्या बेहतरीन लग रहा है, देखो यार ये रोड सामने क्या बेहतरीन लग रहा है, वाह वाह, दूर में वो पहाड़ दिख रहा है, वाह भाई। आप सीधा बेंगलोर तक एकदम मस्त आराम से पहुंच जाएंगे। अब तो मैं खाने के लिए भी नहीं रुक सकता, तो सीधा ही चलना पड़ेगा, एकदम नॉन स्टॉप राइड करेंगे, देखते हैं क्या हालत होता है। बीच में एक बार अगर पानी वानी पीने के लिए 1-2 मिनट रोक लिया तो अलग बात है, वरना भाई नॉन स्टॉप करेंगे आज। चलो भाई आज का पहला टोल प्लाजा भी आ गया,
बट यह अभी फंक्शनल नहीं है शायद, यहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ है टोल कलेक्शन, होगा बहुत ही जल्दी। बट अपने को क्या, बाइक का तो टोल लगता नहीं है, बस लगता नहीं इन द सेंस मोस्टली नहीं लगता है, बट बहुत जगह बहुत टोल है जहाँ पे बाइक का भी लगता है यार, ऐसा नहीं है। देखो बस यार चारों तरफ देखो, क्या मतलब अलग ही लेवल की सिनारी है। एक चीज़ ना मुझे समझ में आया ये वाला मतलब राइड पे ट्रिप पे कि स्कैम्बलर 400X जो है ना टूरिंग के लिए सही है, कोई दिक्कत इसमें होता नहीं है। हाँ अब विंड नॉइज मतलब इसकी बात करोगे ना, विंड ब्लास्ट की बात करोगे, ऑब्वियसली बात है एक नेकेड बाइक है तो विंड ब्लास्ट होगा, इज़ नॉट अ टूरिंग बाइक। बट उतना मतलब ठीक है यार, उतना आप नेगलेक्ट कर सकते हो, आप बाइक चला रहे हो तो विंड नॉइज मतलब विंड ब्लास्ट तो होगा भाई, ये कौन सा कार है कि विंड ब्लास्ट होगा ही नहीं बिल्कुल। और सीट कंफर्ट की बात करूं ठीक ठाक ही लगा मुझे, ऐसा कुछ बहुत ख़तरनाक वाली जो मतलब चला ही नहीं पा रहे हो भाई, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। सीट कंफर्ट भी ठीक ठाक है हाँ, बट ये देखो ये टूरिंग सीट है नहीं, नॉर्मल सीट जो आता है बाइक के साथ उसी की बात कर रहा हूँ। आप अगर टूरिंग सीट ले लोगे तो ऑब्वियसली वो कम्फर्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। अब इस सीट में क्या है ना, हाँ मतलब 5-6 घंटे के बाद आपको लगेगा कि यार अब थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि अनबेयरेबल कुछ हो रहा है, बट हाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टनेस आएगा। बट आई होप कि अगर आप अगर टूरिंग सीट ले लोगे तो सब ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मस्त हो जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और बाकी सस्पेंशन भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो राइड जो कंफर्ट है वो है भाई, राइड कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और हैंडलिंग तो भाई मज़ेदार है इस बाइक का, इतना प्यारा हैंडलिंग है ना उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत एकदम मक्खन मक्खन हैंडलिंग है भाई। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद पहली बार इसको मतलब इतना बड़ा राइड किया इसके साथ 5-6 घंटे का वन स्ट्रेच, इससे पहले मैंने उतना ज़्यादा किया नहीं था। तो ये भाई को कुछ हुआ तो नहीं था उधर, अरे यार कीचड़ लग गया भाई। पता नहीं सब ठीक तो है इसका, हाँ हेलमेट पहन रहे ठीक ही होगा। नहीं ऐसे चेन नीचे देख रहा था ना तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बाइकर्स को हेल्प करना ज़रूरी होता है भाई। ओहो क्या लग रहा है भाई साहब, देखो एक बार मज़ेदार रोड है। बंदे को देखो भाई कैसे बाइक चला रहा है, अपना पैर के ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है इनको, हाथ के ब्रेक पे इतना भरोसा है भाई बाइक चला रहा है एक जगह पे, पैर कुछ है अलग जगह पे। अच्छा ओ भाई साहब ये दूसरा ही बंदा जो पीछे छुपा दिखाई नहीं, वो बंदा बीच में था भाई, ओ माय गॉड चलो जहाँ तक मुझे लगता है आज के ट्रिप का
आखिरी टोल होने वाला है ये। इसके बाद हम लोग सिटी में एंटर कर जाएंगे होपफुली, क्योंकि बस 44 किलोमीटर ही बचा है। और इसके बाद से शुरू होगा ट्रैफिक। एक्साइटमेंट निकल जाएगी अभी 2 मिनट में। यस, बेंगलुरु 28 किलोमीटर्स और मेरा घर जाने के लिए है 40 किलोमीटर्स। बढ़िया भाई, बढ़िया, एक मज़ेदार राइड था भाई, बहुत मज़ेदार राइड था। अब देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ठीक है, बहुत कर लिए मौज, थोड़ा सिटी में भी चला लो अब। हाँ ब्रो, सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे ट्रैफिक के बीच में। हालात देख रहे हो, हालात खराब हो गई भाई। ये है बेंगलोर, घुसते ही ना अच्छे से स्वागत कर देते आपका। तो भाई रास्ता बचा है बस 28 किलोमीटर्स का, लेकिन उसके लिए टाइम लगने वाला है 1 घंटा 20 मिनट। और सच में यार ट्रैफिक ने पूरा बैंड बजा रखा है, और पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है समझ रहे हो। इतने मतलब इतना सा चला के आया ना, एक बूंद पसीना हुआ नहीं। जैसे ही यहाँ पे आया भाई 15 मिनट में पसीने छूट गए, अंदर से टप टप से पसीने गिर रहे। तो चलो एक और बढ़िया सा राइड हो रहा है ख़त्म। और हाँ, थोड़ा छोटा था क्योंकि ऑफिस का काम था यार, और कल भी बारिश की वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाया, और थोड़ा बहुत उधर भी घूमना था मुझे, बट बारिश ने थोड़ा बहुत प्लान ख़त्म मतलब ख़राब कर दिया, क्या करें। और कल सुबह ही मुझे ऑफिस ज्वाइन भी करना है, तो ज़्यादा कुछ टाइम मतलब स्पेंड कर भी नहीं पाया मैं, वापस आना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा प्लान बनाएंगे, दोबारा चलेंगे किसी और बढ़िया सी राइड के लिए। तो आई होप कि ये वाली राइड वाली वीडियो, मेरा पहला सोलो राइड था, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी यार प्लीज़ सपोर्ट दिखाना और लाइक ज़रूर से करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि कैसी लगी आपको। तो इसी नोट पे इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी बढ़िया सी वीडियो में, बढ़िया सी राइड में। चलो टिल देन, दिस इज़ एनी साइनिंग ऑफ।